अब मैम 2000 शब्द कहने जा रही हैं, मैम 2000 शब्द कहने जा रही हैं, मैम कहिए। कभी भी एक बात मत भूलिएगा, तो आप हमेशा याद रखना, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जब आप एग्जाम का कोई फॉर्म निकलता है तो आपको पता होगा कि कुछ की सीटें निकलती हैं। सपोज करो, हम मानते हैं कोई भी एग्जाम निकलता है और उसमें मैक्सिमम आपको 500 सीट अगर मिलती है, तो ये बात जानिएगा कि उन 500 सीट को पाने के लिए कम से भी कम 1,00,000 स्टूडेंट तो बैठते ही है हिंदुस्तान में। बहुत कम आंकड़ा लिया है, बाकी आप समझ सकते हैं। जब 500 सीट को पाने के लिए 1,00,000 स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, तो उसमें कितने स्टूडेंट को मिलेगी वो सीट? 500 को ही ना। और याद रखना, उन 500 में से कम 1,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे दावेदार हैं उस सीट के, जिन्होंने पूरी जान लगाई है, उसके बावजूद भी उनमें से 500 ऐसे रह जाएंगे जिन्हें सीट नहीं मिलेगी। तो आप अपनी तुलना कर लेना कि आप किस पोजीशन पर बैठे हो, क्या आप उन टॉप 1,000 में से हो? अगर आप टॉप 1,000 में हो तो भी चांसेस है कि आप शायद वहां तक पहुंच ना पाओ। ये बात हमेशा ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करना है, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है, फोकस करना है, और बाकी जिनके सर पे गुरु का आशीर्वाद होता है तो वो जिंदगी में सफल होते ही है। बहुत जोरदार तालियां मैम के लिए, धन्यवाद। अपनी एक जैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, सामान्य हिंदी अक्सर बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ, तो उसी में एक बहुत चर्चित जो मैं कविता बोलती रहती हूँ वो सुना देती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल मैम, और भी बाद में आऊंगी, फंक्शन जब चलता रहेगा कविताएं तो अलग अलग सुनाती रहूंगी। और छोटी सी है कि रत्ना कर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, रत्नाकर यहाँ समुद्र के लिए नहीं, समाज के लिए कहा गया है कि जो ये समाज है ये सबके लिए एक जैसा है। बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान अज्ञ मुंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। ठकुरेला कबीराय सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। तो ये आप लोगों से कैसे जुड़ता है कि ध्यान रखना, इस एग्जाम के महायुद्ध में वही सफल होता है जो मोती को चुनने के लिए आता है। थोड़े बाद लास्ट में वो सफल हो जाते हैं जो सीपी को चुनते हैं, लेकिन आगे कभी नहीं। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करिए, थैंक यू। बहुत जोरदार तालियां मैम के लिए, बहुत जोरदार तालियां, धन्यवाद मैम।